स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष में आज मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश में हर महीने 1,00,000 परिवारों को रोजगार दिया जाएगा। आज स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी विवेकानंद की योद्धा सन्यासी जिन्होंने भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा की विजय पताका पूरे विश्व में लहराई दी, उनके विचार हमें प्रेरणा से भर देते हैं, उत्साह से भर देते हैं और उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि युवा दिवस के दिन हम रोजगार दिवस के रूप में भी 12 जनवरी को मनाया जाए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के अलग प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएं, मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं जिनमें अलग अलग तरह की इंटरेस्ट सब्सिडी गारंटी देना सरकार की तरफ से, उन योजनाओं के अंतर्गत हमने तय किया था कि हर महीने हम 1,00,000 रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, मतलब 1,00,000 परिवारों को रोजगार से लगाएंगे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2,00,000 से ज्यादा लोगों को हर महीने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हम रोजगार से लगा पा रहे हैं। हमने 16 नवंबर को 2021 में तय किया था रोजगार दिवस मनाने का और 16 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, फिर शहरी आजीविका मिशन, व्यक्तिगत और समूह ऋण के तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित योजनाओं के अंतर्गत 5,26,510 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2,654 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए गए हैं अपने काम धंधे के लिए, अपने बिजनेस व्यापार के लिए। महीने में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में हम मनाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 1,00,000 परिवारों को हम रोजगार से आजीविका से जोड़ें। एक तरफ ये अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत रहे, लेकिन इसमें भी वो आंकड़े सम्मिलित नहीं है तो निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योगों में, मध्यम उद्योगों में और बड़े उद्योगों में वो निवेशक भी बहुत तेजी से आ रहे हैं। हमारे यहां अनेकों 13 क्लस्टर स्वीकृत हुए एमएसएमई के, उनमें लोगों को अलग रोजगार मिलेगा। एक दिन में ही इसी कुशाभाऊ ठाकरे हाल से हमने 1900 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों का भूमि पूजन किया था 7 अप्रैल, उनमें काम तेजी से चल रहा, उनमें रोजगार मिलेगा। तो निवेश जो आ रहा है उसके माध्यम से जो रोजगार के अवसर सृजित होंगे प्लेसमेंट के रूप में, कई नौजवानों को फिर हम भर्ती कराते हैं, वो प्रयास अलग हैं। तो कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके लिए आत्मनिर्भर युवा और हर परिवार बने, इसलिए आजीविका रोजगार से जोड़ने का ये अभियान चल रहा है और उसी के अंतर्गत ये आज की उपलब्धि हासिल है। 3 बजे स्कूलों को 3 बजे रोज कोरोना की मैं समीक्षा करता हूँ। आज फिर 3 बजे समीक्षा बैठक है, सारी परिस्थितियों का आकलन करके हम फैसला करेंगे।
बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता की सुरक्षा सर, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए कोई फैसला। सर जैसा देखिए जो परिस्थितियां हैं उनमें जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश है कि एक तो हमने तेजी से वैक्सीनेशन किया, फर्स्ट डोज हो सेकंड डोज हो, मध्य प्रदेश अव्वल है बच्चों का वैक्सीनेशन हो, हम सबसे आगे चल रहे हैं। फिर बुजुर्गों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया, जिनको वैक्सीन लग गई वो बहुत या तो संक्रमित नहीं होते और होते हैं तो आप ये मानिए कि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत कम लोगों को आ रही है। हमारी कोशिश है हम अस्पतालों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेड्स वो सारी तैयारी हमारी है, लेकिन अभी अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत न्यून है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि गरीब की रोजी रोटी भी ना छिने, आजीविका भी चलती रहे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लें, लेकिन हम परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं और रोज समीक्षा करके फैसले करते हैं। आज की समीक्षा में कुछ आवश्यक लग रहा था। वहीं पूरे प्रदेश के हर जिले में रोजगार दिवस को मनाया गया। जानकारी के अनुसार जिस जिले का जो प्रभारी मंत्री था, उस प्रभारी मंत्री ने उस जिले के तमाम युवाओं को एक प्रमाण पत्र जारी करते हुए ये कहा है कि इस प्रमाण पत्र को लेकर ये आगामी रोजगार के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। प्रवासाक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।